DOE दिल्ली परमानेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट 2023 न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स। हाँ जी दोस्तों, नए रिक्रूटमेंट रूल्स कल रात को भी जारी किए गए हैं, कुल 8,948 पदों के लिए। बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे क्या एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट वगैरह है, सब्जेक्ट क्या, कोल्डिंग। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और DSSSB से जुड़ी सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और इन रिक्रूटमेंट रूल्स को देख लेते हैं बिल्कुल विस्तार से, जो कि कल रात को जारी किए गए हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से। ये हैं दोस्तों न्यू रिक्रूटमेंट रूल, डेट देखिए 6/7/2023 को ये जारी कर दिए गए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल हैं, दिल्ली गजट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, डेट 30 जून 2023 इन पे डली हुई है। बाकी ये कल 6 तारीख को अपलोड हुए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। इनके साथ जो नोटिस है इसमें भी आप देखेंगे तो 6 तारीख डली हुई आपको दिखाई दे जाएगी। तो बिल्कुल विस्तार से देख लेते हैं इन रिक्रूटमेंट रूल्स को। तो जिनके लिए जारी किए गए हैं जिन पदों के लिए, वो इस प्रकार से हैं। TGT MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में TGT हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और बंगाली के नए रिक्रूटमेंट रूल्स आ गए हैं। इन सभी सब्जेक्ट के कुल मिला के 8,948 पद हैं 2019 के अकॉर्डिंग। इन्हें बढ़ाया या घटाया जा सकता है वर्कलोड के अकॉर्डिंग। तो 2019 के अकॉर्डिंग कुल पदों की संख्या 8,948 है। तो दोस्तों ये वैकेंसियां नहीं है, इस कैडर में इतने पद हैं, ठीक है। और क्लासिफिकेशन है जनरल सेंट्रल सर्विस, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गजटेड ग्रुप बी की पोस्ट है। पे लेवल इन पे मैट्रिक्स 7 रिमार्क्स, लेवल 7 रुपीज 44,900 से 1,42,400 इन पे मैट्रिक्स। वेदर सिलेक्शन पोस्ट, नॉन सिलेक्शन पोस्ट, सिलेक्शन पोस्ट है। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, 30 साल कर दी गई है। रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए अपर एज लिमिट 5 साल की छूट यहां दी जा रही है। बाकी डिपार्टमेंट पे या गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट छूट दे सकती है। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो आपको अपर एज लिमिट में छूट 100% मिलेगी। बाकी और भी रिलैक्सेशन अगर देना चाहें तो सरकार दे सकती है। ये देखिए पावर टू रिलैक्स, तो मतलब सरकार चाहे तो रिलैक्सेशन दे सकती है, इसमें ऐसा नहीं है न दिया जाए। तो उम्मीद है कि फीमेल कैंडिडेट्स को जो एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलता था वो भी हमें देखने को मिल जाए। यहाँ वो मेंशन नहीं होगा, रिक्रूटमेंट रूल्स में कहीं मेंशन नहीं है। यहाँ पावर टू रिलैक्स दे दिया गया, मतलब रिलैक्सेशन दी जा सकती है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फिक्स हो गए हैं, रिलैक्सेशन अगर सरकार चाहे तो नहीं दे सकती, सरकार चाहे तो छूट दे सकती है। एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशन की अब हम बात करते हैं। तो इनके लिए बैचलर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास होनी चाहिए। हिंदी के लिए आवेदन करते हैं तो हिंदी में, संस्कृत के लिए आवेदन करते हैं संस्कृत में, उर्दू के लिए करते हैं तो उर्दू में, पंजाबी, बंगाली, इसी तरह से कंसर्न सब्जेक्ट में बैचलर्स डिग्री ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो कम से कम 50% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। द कंसर्न लैंग्वेज शुड हैव बीन स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। जो एक कंसर्न लैंग्वेज है, हिंदी हुई, संस्कृत हुई, उर्दू, पंजाबी या बंगाली, कम से कम 2 साल आपने ग्रेजुएशन में जरूर से जरूर पढ़ रखी हो। और मास्टर्स डिग्री वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, या फिर मास्टर्स डिग्री आपने कर रखी हो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली में 50% अंकों के साथ। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और ग्रेजुएशन में आपके 50% अंक नहीं है, पर आपने उसी सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री कर रखी है, एमए कर रखी है और उसमें आपके 50% अंक है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने कर रखा हो, BEIED या BA BEd के नाम से जिसे जाना जाता है, जो कि NCERT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन के द्वारा कराया जाता है, तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपने BEd कर रखा हो या 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd MEd कोर्स आपने कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। नो सेपरेट BEd BEd MEd इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ BEIED या BA BEd, और उसी के साथ साथ CTET भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। तो ये देख लिया दोस्तों आपने, ये क्वालिफिकेशन है। और जहां तक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वेदर एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज प्रेस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई इन केस ऑफ प्रमोटीज। अगर प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन के लिए कोई एज लिमिट लागू नहीं है, पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो प्रमोशन अगर आपको लेना है पहले से कार्य कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपके पास जरूर से जरूर होनी चाहिए। पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 साल का, यहाँ प्रोबेशन का पीरियड भी है।
और मेथड ऑफ सिलेक्शन, प्रमोशन के माध्यम से 20% पद भरे जाएंगे इस कैडर के और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से 80% पद यहां भरे जाएंगे। तो ये बाकी प्रमोशन से जुड़ी हुई गाइडलाइंस दी गई सीरियल नंबर 11 पे। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो सीरियल नंबर 11 और 12 आप पढ़ सकते हैं, ये प्रमोशन से जुड़ी हुई ही है। तो ये दोस्तों रिक्रूटमेंट रूल्स जारी कर दिए गए हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। TGT हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और बंगाली के 4 सब्जेक्ट के पहले जारी किए गए थे, 5 सब्जेक्ट के और आ गए हैं। तो अब उम्मीद करते हैं हमें नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ जल्द ही देखने को मिलेगा DSSSB की तरफ से। जैसे ही रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई कोई अपडेट आएगी आपको सबसे पहले यहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए कर लें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगा तो करें लाइक और शेयर। तो ठीक है दोस्तों, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।